अभी कंसीडर करो इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन फॉर लैगिंग पावर फैक्टर लोड। तो लोड जब लैगिंग रहेगा, प्योरली लैगिंग रहेगा, तब क्या होता है, आई लैग्स वी बाय 90 डिग्री। मतलब करंट वोल्टेज को लैग करेगा 90 डिग्री से। मतलब अगर फेजर डायग्राम ड्रॉ करते समय हमने वोल्टेज को रेफरेंस लिया, तो वोल्टेज को करंट लैग करेगा 90 डिग्री से। और फेजर डायग्राम की डिरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90 डिग्री, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो देखो ये जो पोजीशन हमने ड्रॉ की है, ऐसी रोटर की जो पोजीशन है, एंटी क्लॉकवाइज रोटर रोटेट हो रहा है, ये हमने दिखाया है। और ये जो पोजीशन हमने ये ड्रॉ की है रोटर की, तो यहाँ आपका जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम पॉजिटिव है। मतलब ये रोटर अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट होता, तो ये नॉर्थ पोल यहाँ आता और साउथ पोल यहाँ आता, और यहाँ आपका वोल्टेज मैक्सिमम पॉजिटिव होता। लेकिन उसके एग्जैक्टली अपोजिट हम रोटर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे, तो यहाँ भी आपको मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा इस पोजीशन पर। तो रोटर के इस पोजीशन पर मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज हमें मिल रहा है। और रेजिस्टिव की केस में, रेजिस्टिव लोड जब हमने कंसिडर किया था, यूनिटी पावर फैक्टर लोड, प्योरली रेजिस्टिव लोड, तो इन दैट केस वोल्टेज जब मैक्सिमम पॉजिटिव था, तभी करंट मैक्सिमम पॉजिटिव था, क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों इन फेज में थे। लेकिन लैगिंग पावर फैक्टर में वोल्टेज के बाद 90, वोल्टेज के 90 डिग्री बाद करंट आ रहा है। तो देखो यहाँ अगर वोल्टेज मैक्सिमम पॉजिटिव में है, तो करंट मैक्सिमम पॉजिटिव में कब होगा, 90 डिग्री बाद। मतलब ये जो रोटर है ये यहाँ इस पोजिशन में, तो ये 90 डिग्री जब आगे घूमेगा, 90 डिग्री जब आगे घूमेगा, तब आपका करंट मैक्सिमम पॉजिटिव होगा। बराबर है? तो ये अगर पोजीशन है रोटर की, तो इसे 90 डिग्री रोटर को घुमाओ, मतलब नॉर्थ पोल यहाँ आ जाएगा, साउथ पोल यहाँ आ जाएगा, तो इन दैट पोजीशन आपका करंट मैक्सिमम पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि करंट वोल्टेज को लैग कर रहा है 90 डिग्री से। तो इन यहाँ इस पोजीशन पे वोल्टेज आपका मैक्सिमम है, लेकिन करंट आपका मैक्सिमम नहीं है। आफ्टर 90 डिग्री जब ये रोटर रोटेट होगा ऐसा, तब आपका करंट मैक्सिमम रहेगा इन दैट, इन दिस इंडक्टिव केस में। ठीक है, इंडक्टिव केस में। ठीक है, तो मैं वो फिगर ड्रॉ करता हूँ कि ये जो नॉर्थ और साउथ पोल है, मतलब रोटर जो है एंटी क्लॉकवाइज हमारा रोटेट हो रहा है, तो इसे मैं फिर से 90 डिग्री ऐसा रोटेट करता हूँ। मतलब ये पोजीशन के आगे फिर 90 डिग्री ऐसा मैं ड्रॉ करता हूँ, तब आपका करंट मैक्सिमम पॉजिटिव रहेगा। तो करंट करंट कब मैक्सिमम पॉजिटिव रहेगा, ये हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट आर्मेचर करंट पर डिपेंड है, वोल्टेज पर डिपेंड नहीं है, आर्मेचर करंट पर डिपेंड है, इसीलिए हम करंट कंसिडर कर रहे हैं। तो करंट मैक्सिमम पॉजिटिव कब होगा, यहाँ जब नॉर्थ पोल नीचे आएगा और साउथ पोल ऊपर चला जाएगा। तो वो फिगर मैं यहाँ सामने ड्रॉ करता हूँ, और ये तो डॉट ही रहने वाला है, ये क्रॉस ही रहने वाला है, और आर्मेचर फ्लक्स की डिरेक्शन ऐसी ऊपर ही आने वाली है, ये चेंज नहीं हो रही है। चेंज क्या होगी, ये मेन फ्लक्स फाइम की डायरेक्शन चेंज होगी बाय दिस फिगर। स्टेटर तो वैसा ही रहेगा, स्टेटर के कंडक्टर्स भी वैसे, और उनमें जो डिरेक्शन है, मतलब ये आउटवर्ड और ये इनवर्ड, तो वो वैसी की वैसे ही रहेगी, लेकिन रोटर में चेंज होगा। ठीक है, तो मैं ड्रॉ करता हूँ रोटर का जो चेंज हो रहा है वो। तो देखो लैगिंग लोड के केस में, प्योरली लैगिंग लोड के केस में क्या हुआ, ये रोटर 90 डिग्री आगे रोटेट हुआ, तब आपका करंट मैक्सिमम पॉजिटिव हुआ। मतलब ये नॉर्थ पोल यहाँ आया और ये साउथ पोल यहाँ आया। ठीक, तो देखो ये नॉर्थ पोल यहाँ आया और ये साउथ पोल यहाँ आया। ठीक है, तो देखो ये फिगर मैंने ड्रॉ की है, तो ये जो कंडक्टर से ये भी 90 डिग्री रोटेट हो गए, तो ये कंडक्टर्स ऐसे हॉरिजॉन्टल थे, तो अभी ये ऐसे वर्टिकल आ गए और ये डॉट ऐसे चले गए। ठीक है, तो देखो ये फिगर ये बन गई। ठीक है, तो यहाँ डॉट फॉर्म हो रहा है और यहाँ क्रॉस, ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा स्टेटर का। तो स्टेटर का जो फ्लक्स है, मतलब आर्मेचर फ्लक्स, सॉरी स्टेटर फ्लक्स, आर्मेचर फ्लक्स कुछ भी बोलो, तो आर्मेचर फ्लक्स तो ऊपर ही है, आर्मेचर फ्लक्स तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट आर्मेचर फ्लक्स ऊपर ही रहेगा, क्योंकि रोटर की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो फोर्स उसे अपवर्ड लग रहा है। ठीक है, आर्मेचर फ्लक्स तो अपवर्ड ही है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, तो रोटर के इस पोजीशन पर आपको मैक्सिमम करंट मिल रहा है, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम आर्मेचर करंट रोटर के इस पोजीशन पर मिल रहा है, तो इसका मेन फील्ड फ्लक्स फाई एम नीचे जाएगा, क्योंकि देखो ये क्रॉस ऐसा इनवर्ड जा रहा है, और डॉट मतलब आउटवर्ड, तो क्रॉस इनवर्ड है, मतलब अगर करंट की डायरेक्शन इनवर्ड ली, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी आ गई, और अगर ये डॉट आउटवर्ड आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी आ रही है। मतलब दोनों का जो रिजल्टेंट है, मतलब मेन फील्ड फ्लक्स फाई एम, वो यहाँ नीचे जा रहा है, मेन फील्ड फ्लक्स फाई एम नीचे जा रहा है, और आर्मेचर का जो फ्लक्स है, ये मेन फील्ड फ्लक्स फाई एम है, और आर्मेचर का जो फ्लक्स है
आर्मेचर फ्लक्स फाई ए वो तो अपवर्ड ही रहेगा क्योंकि डॉट डॉट ही रहेगा और क्रॉस क्रॉस ही रहेगा। स्टेटर के कंडक्टर्स डॉट का क्रॉस क्रॉस का डॉट ऐसा नहीं होगा क्योंकि स्टेटर के कंडक्टर्स यहाँ स्टेशनरी है। सो यहाँ लैगिंग पावर फैक्टर लोड में ये जो मेन फील्ड फ्लक्स फाई एम है ये सिर्फ नीचे जाएगा और आर्मेचर फ्लक्स ऊपर ही रहेगा। मतलब यहाँ फेजर्स कैसे रहेंगे देखो, आर्मेचर फ्लक्स फाई ए ऐसा ऊपर रहेगा और मेन फील्ड फ्लक्स फाई एम नीचे जाएगा, ठीक है। और अगर इंड्यूस ईएमएफ ईपीएच की बात करें, इंड्यूस ईएमएफ ईपीएच, तो इंड्यूस ईएमएफ ईपीएच आर्मेचर फ्लक्स फाई ए को, सॉरी, मेन फील्ड फ्लक्स फाई एम को लैग करेगा 90 डिग्री से। और अगर फेजर डायग्राम की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो फाई एम लीड करेगा ईपीएच को बाय 90 डिग्री। मतलब इन दैट केस आपका ईपीएच यहाँ आना चाहिए, बराबर है। मतलब ये 90 डिग्री ऐसा फॉर्म होगा। प्योरली इंडक्टिव लोड के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर पॉइंटेड लीडिंग, सॉरी पॉइंटेड लैगिंग या तो फिर पॉइंटेड लीडिंग ऐसे लोड्स होते तो 90 डिग्री फॉर्म नहीं होता। मतलब जो वोल्टेज और करंट है उनमें एंगल जो रहता वो 90 डिग्री फॉर्म नहीं होता, ठीक है। लेकिन फाई एंड ईपीएच में ऑलवेज 90 डिग्री फॉर्म होता है। तो फ्लक्स फाई एम लीड दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ ईपीएच बाय 90 डिग्री। तो फेजर डायग्राम की डायरेक्शन यहाँ एंटी क्लॉकवाइज आ गई, ठीक है। तो अभी आर्मेचर फ्लक्स और मेन फील्ड फ्लक्स दोनों अपोज कर रहे हैं, फिगर से ही दिख रहा है कि दोनों अपोज कर रहे हैं। और करंट कहाँ आएगा, इंडक्टिव लोड में करंट लैग करता है वोल्टेज को बाय 90 डिग्री। तो वोल्टेज आपका यहाँ आ रहा है तो करंट आपका यहाँ आना चाहिए, करंट लैग करेगा वोल्टेज को 90 डिग्री। तो आर्मेचर करंट आई ए सेम एक्सिस फ्लक्स फाई फाई पर ये आर्मेचर करंट आए रहेगा फ्लक्स फाई के साथ, ठीक है। तो यही फिगर, यही आपकी फेजर डायग्राम बन गई। ये फेजर डायग्राम मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, मतलब इस फेजर डायग्राम को मैं रोटेट करता हूँ 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्योंकि देखो ये फ्लक्स फाई एम हमने रेफरेंस लिया था तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज में रोटेट करता हूँ। तो यही फिगर मैंने 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट की, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये ऐसी बन गई। तो देखो ईपीएच आई ए को लीड कर रहा है 90 डिग्री से, मतलब आर्मेचर करंट आई ए लैग्स इंड्यूस्ड ईएमएफ पर फेज ईपीएच बाय 90 डिग्री। और फ्लक्स फाई एम और फाई ए दोनों में 180 का एंगल बन रहा है यहाँ इन केस ऑफ लैगिंग पावर फैक्टर लोड। तो अभी वेवफॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वेवफॉर्म हमें ड्रॉ करनी है सिर्फ मेन फील्ड फ्लक्स फाई एम और आर्मेचर फ्लक्स फाई ए के लिए, ठीक है। मतलब फ्लक्स फाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो मैंने अगर मेन फील्ड फ्लक्स फाई एम ऐसा ड्रॉ किया साइनोसाइडल, तो अभी ये अगर मेन फील्ड फ्लक्स फाई एम है तो फाई ए कैसा होगा, आर्मेचर फ्लक्स फाई ए। तो आर्मेचर फ्लक्स फाई ए 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब आर्मेचर फ्लक्स आई ए इज आउट ऑफ फेज विथ रिस्पेक्ट टू मेन फील्ड फ्लक्स फाई एम। और आर्मेचर फ्लक्स फाई ए की जो मैग्नीट्यूड है वो कम रहती है फाई एम से थोड़ी फार अमाउंट में। तो मैं यहाँ ऐसा कम शो करता हूँ आर्मेचर फ्लक्स फाई ए को, कम मैग्नीट्यूड का, ठीक है। तो आर्मेचर फ्लक्स फाई ए, तो मेन फील्ड फ्लक्स फाई एम को आर्मेचर फ्लक्स फाई ए अपोज कर रहा है ऐसा वेवफॉर्म से हमें पता चल रहा है। तो इसीलिए रिजल्टेंट फ्लक्स यहाँ कैसे आएगा, मेन फील्ड फ्लक्स ज़्यादा है आर्मेचर फ्लक्स से, आर्मेचर फ्लक्स की मैग्नीट्यूड कम है मेन फील्ड फ्लक्स से, लेकिन वो टोटली मेन फील्ड फ्लक्स को अपोज करने की कोशिश कर रहा है, अपोज कर रहा है। इसीलिए जो रिजल्टेंट फ्लक्स रहेगा आपका, रिजल्टेंट फ्लक्स फाई आर, वो थोड़े फार अमाउंट में ऐसा रिड्यूस हो जाएगा। ये रहेगा रिजल्टेंट फ्लक्स फाई आर ड्यू टू दिस आर्मेचर फ्लक्स फाई ए। जितना ही आर्मेचर फ्लक्स अपोज करेगा मेन फील्ड फ्लक्स को उतना ही आपका रिजल्टेंट फ्लक्स कम होगा। इसीलिए आर्मेचर फ्लक्स मेन फील्ड फ्लक्स से थोड़ा कम है। अगर आर्मेचर फ्लक्स और मेन फील्ड फ्लक्स दोनों एक ही होते, मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहती, तो डायरेक्टली रिजल्टेंट जीरो होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसीलिए आर्मेचर फ्लक्स फाई ए इट इज लेस देन मेन फील्ड फ्लक्स फाई एम, यहाँ से वेवफॉर्म से हमें पता चल रहा है। और रिजल्टेंट फ्लक्स हमारा थोड़ा फार अमाउंट में रिड्यूस हुआ है ड्यू टू दिस अपोजिशन ऑफ आर्मेचर फ्लक्स टू द मेन फील्ड फ्लक्स, ठीक है। तो ये हुई वेवफॉर्म एट लैगिंग पावर फैक्टर लोड, प्योरली लैगिंग के लिए ऑन लोड। तो इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन ऑन लैगिंग पावर फैक्टर लोड क्या हुआ, इट इज प्योरली
डीमैग्नेटाइजिंग, ये जो डीमैग्नेटाइज कर रहा है आर्मेचर फ्लक्स, मेन फील्ड फ्लक्स को डीमैग्नेटाइज कर रहा है, तो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट्स की वजह से ये जो रिजल्टेंट फ्लक्स है ये रिड्यूस हुआ है, और रिजल्टेंट फ्लक्स रिड्यूस होने की वजह से टर्मिनल वोल्टेज जो अल्टरनेटर के आउटपुट पर अवेलेबल होता है वो रिड्यूस हो रहा है इन केस ऑफ लैगिंग पावर फैक्टर लोड। तो इसके बारे में थ्योरी मैं अभी आपको दे देता हूँ। सो हियर डायरेक्शन ऑफ मेन फ्लक्स फाई एम एंड आर्मेचर फ्लक्स फाई ए इज एग्जैक्टली अपोजिट, सो दिस आर्मेचर फ्लक्स फाई ए ट्राइज टू कैंसल द मेन फ्लक्स फाई एम, ड्यू टू विच नेट रिजल्टेंट फ्लक्स फाई आर विल गेट डिक्रीज, ड्यू टू विच टर्मिनल वोल्टेज अवेलेबल ऑन लोड विल डिक्रीज। सो दिस इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन ड्यू टू लैगिंग पावर फैक्टर लोड, प्योरली लैगिंग पावर फैक्टर लोड इज कॉल्ड एज प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन एट लैगिंग पावर फैक्टर लोड। अभी बात करते हैं लीडिंग पावर फैक्टर लोड के लिए, प्योरली लीडिंग के लिए। अभी आर्मेचर रिएक्शन का थर्ड लास्ट लोड देखते हैं एट लीडिंग पावर फैक्टर लोड पे आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट। ठीक है, तो देखो मैं फिर से मैंने ओरिजिनल फिगर यहाँ ड्रॉ की, जो पहले ओरिजिनल फिगर हमने ड्रॉ की थी नो लोड के ऊपर, या तो फिर सबसे पहले रेजिस्टिव के लिए। ठीक है, मतलब जब वोल्टेज पॉजिटिव होगा तब रोटर की पोजीशन क्या होगी, वोल्टेज जब मैक्सिमम पॉजिटिव होगा तब तब की फिगर मैंने ये फिर से ड्रॉ की है। तो देखो लीडिंग पावर फैक्टर लोड में क्या होता है, लीडिंग पावर फैक्टर लीडिंग जब होता है तब वोल्टेज लीडिंग के केस में क्या होता है, वोल्टेज लैग कर रहा है करंट को, वोल्टेज लैग्स करंट बाय 90 डिग्री। बराबर है, वोल्टेज लैग्स करंट बाय 90 डिग्री, मतलब हम ऐसा कह सकते कि करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री लीडिंग के केस में। तो देखो अगर वोल्टेज यहाँ मैक्सिमम पॉजिटिव हो रहा है तो उससे पहले ही आपका करंट मैक्सिमम पॉजिटिव होगा एट लीडिंग पावर फैक्टर लोड। मतलब ये नॉर्थ पोल जब ऊपर होगा और साउथ पोल जब नीचे होगा, देखो रोटर की जो डिरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, हमने अज्यूम किया एंटी क्लॉकवाइज, तो इससे पहले ही मतलब ये जो ऐसी पोजिशन रहेगी नॉर्थ पोल ऊपर साउथ पोल नीचे, तब ये जो पोजीशन रहेगी नॉर्थ पोल ऊपर साउथ पोल नीचे, तब आपका करंट मैक्सिमम पॉजिटिव होगा, और आफ्टर दैट 90 डिग्री रोटेट होने के बाद ये वोल्टेज इस पोजीशन पर मैक्सिमम पॉजिटिव होगा। मतलब पहले ही आपका करंट मैक्सिमम पॉजिटिव हो रहा है जब पावर फैक्टर लीडिंग हो रहा है। तो तब की फिगर मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, जैसे इंडक्टिव के लिए हमने निकाली थी वैसे ही लीडिंग के लिए मैं निकाल रहा हूँ। इंडक्टिव के लिए क्या हो रहा था, वोल्टेज के 90 डिग्री बाद ऐसे करंट मैक्सिमम पॉजिटिव हो रहा था, नॉर्थ नीचे साउथ ऊपर था वहाँ। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे जब होगा तब आपका करंट मैक्सिमम पॉजिटिव होगा। तो वो डायग्राम रोटर के लिए मैं अभी ड्रॉ करता हूँ। तो देखो नॉर्थ पोल अगर ऊपर चला जाएगा और साउथ पोल नीचे आ जाएगा तो ये क्रॉस यहाँ आ जाएंगे और ये डॉट इधर आ जाएंगे। तो देखो ये फिगर, यही फिगर मैंने ड्रॉ की है। ठीक है, तो यहाँ इस पोजीशन पे आपका करंट मैक्सिमम पॉजिटिव होगा इन केस ऑफ लीडिंग के केस में। ठीक है, मैक्सिमम पॉजिटिव होगा। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, आर्मेचर फ्लक्स फाई की डायरेक्शन तो ऊपर ही है, वेक्टर की फाई वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर ही है, लेकिन यहाँ फ्लक्स फाई की जो डायरेक्शन है मेन फील्ड फ्लक्स फाई वो भी ऊपर है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। देखो डॉट बाहर आ रहा है तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये ऊपर जा रही है, और ये क्रॉस मतलब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आके ऊपर जा रही है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स फाई एम मेन फील्ड फ्लक्स ये भी ऊपर जा रहा है, और ये तो ऊपर ही जा रहा है, ये तो चेंज नहीं होता, यहाँ डॉट का डॉट ही रहने वाला है, क्रॉस का क्रॉस ही। तो मेन मतलब सॉरी आर्मेचर फ्लक्स फाई तो ऊपर ही है। तो यहाँ हमने अगर फेजर डायग्राम निकाली फ्लक्सेस के लिए, मतलब एज द फ्लक्सेस आर कंसर्न, तो यहाँ क्या होगा, फ्लक्स फाई ए और फ्लक्स मेन फील्ड फ्लक्स फाई एम दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, और इंड्यूस्ड ईएमएफ ई क्या करता है, लैग करता है मेन फील्ड फ्लक्स को 90 डिग्री से। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई पी एच यहाँ आ जाएगा, फेजर डायग्राम की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, और ये 90 डिग्री। और करंट की अगर बात करें तो करंट क्या करता है, करंट लीड करता है वोल्टेज को बाय 90 डिग्री इन केस ऑफ लीडिंग लोड, प्योरली लीडिंग लोड के लिए। तो करंट लीड करता है वोल्टेज को, तो करंट भी यहाँ आएगा आई ए, करंट आई ए, आर्मेचर करंट आई ए भी सेम फाई एम और फाई ए के साथ आएगा, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ ईपीएच को लीड करेगा बाय 90 डिग्री। तो यही फिगर
मैं फाई एम को रेफरेंस लेके ड्रॉ करता हूँ, मतलब ये जो 90 डिग्री, इसे मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ इसी फिगर को फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि फाई एम हम ऐसे ही ड्रॉ करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू, हमने लिया है रेफरेंस फेजर इसे, ठीक है। तो मैं ड्रॉ करता हूँ फेजर डायग्राम। तो देखो ये हो गई लीडिंग पावर फैक्टर, प्योरली लीडिंग पावर फैक्टर लोड के लिए फेजर डायग्राम आर्मेचर रिएक्शन के लिए। तो देखो फ्लक्स फाई एम लीड कर रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ ई पर फेस को बाय 90 डिग्री, और आई ए और फाई ए सेम फ्लक्स फाई एम के ऊपर आ रहे हैं, मेन फील्ड फ्लक्स फाई एम के साथ ही आ रहे हैं, फ्लक्स फाई ए और आर्मेचर करंट आई ए, ठीक है। और ये कैसे आई, ये डिटेल में मैंने अभी आपको बताया। ये अभी जाते हैं वेव फॉर्म की तरफ, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, आई ए लीड सी पी एच बाय 90 डिग्री, क्योंकि करंट लीड करता है वोल्टेज को बाय 90 डिग्री अंडर लीडिंग लोड, ठीक है। तो अभी वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूँ मेन फील्ड फ्लक्स के लिए। तो मेन फील्ड फ्लक्स के लिए ये वेव फॉर्म मैं ड्रॉ करता हूँ मेन फील्ड फ्लक्स के लिए। अभी आर्मेचर फ्लक्स पाई ए मेन फील्ड फ्लक्स के इन फेज में है, इन केस ऑफ लीडिंग पावर फैक्टर लोड। तो आर्मेचर फ्लक्स पाई ए ऐसा ड्रॉ होगा, ठीक है। ये होगा आपका आर्मेचर फ्लक्स पाई ए इन फेज विथ दिस मेन फील्ड फ्लक्स फाई एम, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड कम है इसीलिए मैंने इसे थोड़ा छोटा शो किया, ठीक है। तो अभी रिजल्टेंट क्या होगा, देखो यहाँ क्या हो रहा है, आर्मेचर फ्लक्स फाई ए सपोर्ट दिस मेन फील्ड फ्लक्स, सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अगर मेन फील्ड फ्लक्स पॉजिटिव है तो ये आर्मेचर फ्लक्स भी पॉजिटिव है, निगेटिव है तो आर्मेचर फ्लक्स भी निगेटिव है, मतलब वो सपोर्ट कर रहा है पूरी तरह से। तो आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट लीडिंग पावर फैक्टर के लोड के लिए क्या होगा, प्योरली मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा, क्योंकि ये आर्मेचर फ्लक्स मेन फील्ड फ्लक्स को सपोर्ट कर रहा है, तो रिजल्टेंट और ऊपर आएगा, रिजल्टेंट आपका इंक्रीज होगा, रिजल्टेंट फ्लक्स जो है वो आपका इंक्रीज होने वाला है। ये हुआ आपका रिजल्टेंट फ्लक्स फाई आर, रिजल्टेंट फ्लक्स फाई आर जो इंक्रीज हुआ है और इंक्रीज हुआ है, तो रिजल्टेंट फ्लक्स फाई आर यहाँ इंक्रीज हुआ है, मतलब यहाँ क्या हुआ है, मैग्नेटाइजेशन हुआ है, मतलब लीडिंग पावर फैक्टर लोड के लिए आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट कौन सा है, प्योरली मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है। और इसकी वजह से फ्लक्स अगर इंक्रीज हुआ है आपका रिजल्टेंट फ्लक्स, तो यहाँ टर्मिनल वोल्टेज जो आपको लोड पर मिल रहा है लीडिंग लोड पे, तो वो कैसा मिल रहा है, इंक्रीज मिल रहा है, मतलब ज़्यादा मिल रहा है, टर्मिनल वोल्टेज वहाँ बढ़ रहा है आपका एज कम्पेयर टू इंड्यूस्ड ईएमएफ ई पर फेज, ठीक है। तो यही कंक्लूजन निकलता है लीडिंग पावर फैक्टर लोड से। इसकी थ्योरी मैं अभी आपको दे देता हूँ। सो हियर अंडर लीडिंग पावर फैक्टर डायरेक्शन ऑफ मेन फ्लक्स फाई एम एंड आर्मेचर फ्लक्स फाई ए इज सेम, देयरफॉर आर्मेचर फ्लक्स फाई ए विल सपोर्ट मेन फ्लक्स फाई एम विच इन टर्न इंक्रीज इन नेट फ्लक्स फाई आर एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑन लोड गेट्स इंक्रीज। सो इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन एट लीडिंग पावर फैक्टर लोड, प्योरली लीडिंग पावर फैक्टर लोड इज प्योरली मैग्नेटाइजिंग। तो प्योरली मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है लीडिंग पावर फैक्टर लोड का। तो देखो रेजिस्टिव लोड यूनिटी पावर फैक्टर के लिए क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, लैगिंग पावर फैक्टर लोड के लिए प्योरली लैगिंग पावर फैक्टर लोड के लिए प्योरली डी मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, एंड एट लीडिंग पावर फैक्टर लोड प्योरली लीडिंग के लिए प्योरली मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो ये आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट है तीनों लोड्स के ऊपर, ठीक है। और नो लोड पे इफेक्ट क्या है आर्मेचर रिएक्शन का, जीरो। तो फाइनली ये कंक्लूजन निकल के आता है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी सारी कंसेप्ट्स यहाँ आर्मेचर रिएक्शन ऑफ अल्टरनेटर की क्लियर हो गई होगी, क्योंकि बहुत ही डिटेल में मैंने ये डिस्कस किया है। तो आपने अगर पूरा एपिसोड देखा है तो 101% आपकी सारी कंसेप्ट्स आर्मेचर रिएक्शन की अभी क्लियर हो गई होगी। कैसा लगा आपको एपिसोड तो मुझे कमेंट कीजिए, मुझे भी पता चलेगा कि आपको सब कुछ अच्छे से पता चल रहा है या नहीं, ठीक है। थैंक यू। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि न्यू वीडियोज़ आपकी तरफ आती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में।